महात्मा गांधी ड्रीम्ड ऑफ एन इंडिया विच वॉज नॉट ओनली फ्री बट ऑल्सो क्लीन एंड डेवलप्ड. महात्मा गांधी सिक्योर्ड फ्रीडम फॉर मदर इंडिया. नाउ इट इज अवर ड्यूटी टू सर्व मदर इंडिया by keeping the country neat and clean. I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness and अब उधर देखो, उधर देखो, ठीक है. अब ये आपने पेड़ लगाना है. अभी कारीगरी इधर ही दिखा रही है. नेम प्लेट है उसकी रोशनी में अब न आएंगे साह जाएगी आशा की आंगन आंगन आएगी. साफ सुथरा माहौल को सफाई कितनी जरूरी है. आप सभी लोग कल के होनहार ऑफिसर्स होंगे. फिर ये तरकीब ये लेगेसी आपने आगे चलानी है. आई होप कि आप इसका पूरा ख्याल रखेंगे और अपने आसपास के माहौल को भी साफ रखेंगे. पहुंचाएंगे ये ऑफिस के नाम. एक सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं है बल्कि ये एक मूवमेंट है, एक मिशन है कि किस तरीके से हम जो है वो हर जगह पे प्लांटेशन करवाएं और खासकर हमारे वो एरियाज जहाँ पे प्लांटेशन कम है उस एरिया में प्लांटेशन को कैसे इंक्रीज करवाएं. साथ ही साथ में जो है वो धरती को साफ कैसे रखना है, जो हमारी धरती माँ है इसको कैसे साफ रखना है. तो इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं. एक तो ये है कि इस पर पेड़ लगाया जाए. दूसरा इसके ऊपर जितनी भी गंदगी है उसको साफ करवा मतलब उठा के उसको जो है उसका एक प्रॉपर जो सिस्टमेटिक डिस्पोजल होता है उस तरीके से करें. और तीसरी जो चीज़ सबसे बड़ी है कि ये सिर्फ डीसी ऑफिस से अगर हमने स्टार्ट किए तो ये यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए. आपके माध्यम के ज़रिए मेरे हर शख्स से, हर सिटीज़न से जो रामबन के अंदर बसता है उससे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपने घर से ही ये काम शुरू करें कि अपने घर में साफ़ सफाई रखें, जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको किस तरीके से सेग्रीगेट करें. दूसरा पार्ट जो है वो हमारा ये है कि वो अपने आसपास अपने घर में आसपास में जो है वो पेड़ लगाए. दूसरा तीसरा पार्ट है वो ये है कि अगर वो उसके जितने भी घर वाले हैं अगर उनमें से वो एक एक आदमी को भी अवेयरनेस देता है तो मुझे लगता है जितनी भी 3.5-4 लाख की पॉपुलेशन रामबन के अंदर है उस सबको ये जो है मैसेज भी जाएगा और ये एक जो कलेक्टिव जो पीपल्स मूवमेंट और मिशन है कि किस तरीके से हमें इन तीनों चीज़ों को जो है वो साथ साथ में लाइफ का एक पार्ट बना के रखना. क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हर आदमी जो है वो घर की साफ़ सफाई रखता है लेकिन जब हमें कूड़ा डालना होता है तो हम गली कूचे में डाल देते हैं या नाले में डाल देते हैं या ऐसी जगह डाल देते हैं जहाँ पब्लिक. तो ये हमारी धरती है, अगर ये साफ़ रहेगी तो ये हमारे लिए जो है वो स्वर्ग बनेगी. और
जितने हम पेड़ लगाएंगे तो हमारा वातावरण जो है वो उतना अच्छा होगा। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जो हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं खासकर रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो कोशिश करें कि अपने बच्चों से वो पेड़ लगवाएं, ताकि बच्चों के अंदर वो ऐसी वैल्यूज़ इनकलकेट हों, ताकि थ्रू आउट द लाइफ वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, उनको किस तरीके से अपने जो शोल्डर्स पे जो है वो कैरी करें थ्रू आउट द लाइफ, और जिससे एक हमारा मैसेज जो है वो थ्रू आउट द लाइफ और एक ऑर्गेनिक वे में मूव करता रहे नस्ल दर नस्ल। जैसे आज में जैसे बाप ने बच्चे को सिखाया, कल वही बच्चा अपने बच्चों को सिखाएगा, तो ये एक चेन जो है इसी तरीके से बनना चाहिए, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो बहुत मेहनत से जो है और बहुत सोच विचार के स्टार्ट किया है कि कैसे जो है वो धरती माँ के नाम एक पेड़ या शहीदों के नाम एक पेड़ जो ऑनरेबल एलजी साहब ने जो बोला है, और किस तरीके से हम अपने इलाके को, अपने घर को, अपनी बस्ती को जो है वो स्वच्छ बना सकें, तो इसके लिए मुझे लगता है हम सबको जो है मिलके काम करना चाहिए, और ये हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से हम मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम इसको निभाएंगे नहीं। अगर हम आज इस जिम्मेदारी को जो है वो लाइटली लेंगे या इस जिम्मेदारी को समझेंगे नहीं, तो याद रखें कल हमारे बच्चे जो हैं वो उसी गंदगी के अंदर कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, या अगर वो जितने पेड़ कम होंगे तो आने वाले दौर में जो पोल्यूशन का लेवल है या जो वातावरण है वो अपने बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरी आप सब से भी, जितने हम यहाँ पे भी खड़े हैं और जितनी रामबन की पब्लिक सुन रही है, मैं उन सब तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाली हमारी नस्ल हमें आने वाले दौर में गालियाँ ना दे कि हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, हम आज जो है इसमें झूंझ रहे हैं। तो इसी चीज़ को चलते हुए हम ये जो मिशन है, ये जो मूवमेंट है, इसको स्टार्ट करके अपने आप को, अपने वातावरण को, अपने घर को, अपने माहौल को जो है वो साफ करें। थैंक यू सो मच।